तो गाइस स्वागत है आप सभी को मेरे माइक्रो सर्वाइवल्स में। इसके चुप, बिल्कुल चुप। हाँ यार आई नो, पिछले एपिसोड को डाले हुए एक महीने से भी ज्यादा हो चुका है। एक्चुअली क्या है ना भाई, 100 डेज और कुछ ऐसे वीडियोस को मतलब बनाते हुए भाई मैं सर्वाइवल सीरीज के जो वीडियोस है वो मैं डाल ही नहीं पाया, बना ही नहीं पाया, तो डालूंगा कैसे। बट यार कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, जो भी है वो हो गया है सो हो गया, ठीक है। बट अभी जो है मैं इस सीरीज को जो है कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो गाइस मेरे को ना आज मेरे दिमाग में एक चीज आई है। मेरे को एक फार्म बनाना था, बट जैसे ही मैं उसको बनाने गया उसी वक्त मुझे जो पता चला कि भैया उसको बनाने के लिए एक ट्राइडेंट की जरूरत है, और भैया हमारे पास ट्राइडेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो इसलिए मैं आज जो है बनाने का फैसला किया है कि आज मैं एक ट्राइडेंट फार्म को बनाऊंगा। और गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार कि भैया इस एपिसोड को मैं डालने वाला था, बनाने वाला था बोनविल फार्म के ऊपर, बट जब वीडियो बन चुका था और मैं जैसे ही उसको चेक करने गया था तो पता चला कि भैया अनफॉर्चुनेटली जो है वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। इसलिए जो है दिमाग इतना खराब हो गया ना भाई, एक वीडियो बनाया उसको रिकॉर्ड करा भाई, उसके बाद जब पता चलता है कि भैया आपने रिकॉर्ड किया नहीं है तो भैया कैसा लगता है। इसलिए वही जैसा लगता है ना वो मेरे साथ भी हुआ भाई। इसलिए भाई इसका वीडियो जो है मैं सर्वाइवल पे बना नहीं पाऊंगा। बढ़िया, टेंशन ना लो, इसको जो है मैं टाइम मिलते ही मैं इसका एक ट्यूटोरियल दे दूंगा, आप टेंशन ना लो। और भैया ये जो बोनविल फार्म है ना ये एकदम नया मार्केट में आया है और एकदम कमाल के तरीके से काम कर रहा है भाई। तो इस चीज को भाई अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बोलो, मैं इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो डाल दूंगा। तो गाइस मैंने सारी तैयारी कर ली है स्टार्टिंग फार्म को बनाने के लिए, बट उससे पहले चलो आज के शॉट आउट देते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा पहला शॉट आउट जाता है मिस्टर गौरव 07 भाई, 1.18.10 डुप्लीकेशन ग्लिच का वीडियो बनाओ। ओके भाई बना देंगे, बट ये वाला वर्जन तो चला गया, 1.18.10 जो वर्जन है वो तो चला गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, 1.19 भी आ चुका है और आगे और भी ज्यादा नया नया ग्लिचेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, एक नहीं बहुत ज्यादा वीडियो मैं बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन ना लो। ओके तो गाइस हमारा जो दूसरा शॉट आउट है वो है नो क्यूटी वाई भाई, आप कौन सा रिकॉर्डर यूज करती हो। ओके तो मैं एक्चुअली एक्स रिकॉर्डर यूज करता हूँ, तो ये इजीली आपको प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रिकॉर्डर है, ठीक है। खैर तो गाइस आज का शाउट आउट तो हो चुका है, अभी फार्म के ऊपर ध्यान देते हैं भाई, फार्म को बनाते हैं। ओके तो सबसे पहले देखो मैं ओशन में तो आ चुका हूँ भैया, और अभी मेरे को जाना होगा लैंड से मतलब जमीन से 50 ब्लॉक ओशन की ओर, ठीक है, मतलब पानी की ओर, ताकि जो है हमारा फार्म और भी अच्छे से काम करे। ओके तो गाइस मैं जमीन से 50 ब्लॉक इस तरफ आ चुका हूँ, और अभी जो हमें यहाँ से ऊपर की ओर जाना होगा 50 ब्लॉक, ठीक है, मतलब 50 ब्लॉक ऊपर की ओर अभी जाना होगा। ओके तो चलो भैया 50 ब्लॉक ऊपर भी हम लोग आ चुके हैं, और अभी ना यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग नीचे बार बार ना गिर जाते हैं भाई, वरना गिर जाते हैं ना, आप समझ सकते हो भाई। ओके तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, यहाँ पे ऐसे करके डबल चेस्ट को रखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसके ऊपर क्राउच होकर दो हॉपर को अटैच करना होगा, और दो और हॉपर को अटैच करना होगा जो इन दोनों हॉपर से जुड़ेगा, ठीक है, और फिर अभी हमें रखना होगा ऐसे करके सॉलिड ब्लॉक को, और अभी हमें जाना होगा इसके ऊपर। ओके तो अभी यहाँ से हमें 20 ब्लॉक्स ऊपर की ओर जाना होगा, ठीक है, मतलब जब ऊपर से ड्राउंड गिरेगा ना तो उसका हेल्थ जो है वो 1 HP का होना चाहिए, ठीक है, जिससे उसके मथे पे अगर हम लोग एक भी हाथ से टपली मारे ना तो वो मर जाएगा, दम तोड़ देगा भैया। ओके तो मैं काम करते करते भैया फिलहाल के लिए गड्ढे को बंद कर देता हूँ, ताकि गलती से भैया ऐसे उछल उछल के जब मैं आऊँ और गड्ढे में गिर जाऊँ, इसलिए भैया ईमानदारी से भाई इस गड्ढे को बंद कर देते हैं। और अभी हमें यहाँ पे रखना होगा 7 ब्लॉक्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी 7 ब्लॉक्स रखना होगा, और अभी बाकी के साइड में भी ऐसे करके 7 ब्लॉक्स को ठीक ऐसे ही रख देना होगा, ठीक है, नाउ करना होगा भैया इसको आपस में कनेक्ट, ठीक है, उसके बाद फिल करना होगा, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म का आकार ले लेगा अपने आप। ओके तो गाइस मैंने इसको फिल कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड नाउ हमें यहाँ पे रखना होगा एक टेम्पररी ब्लॉक और सॉलिड ब्लॉक रखना होगा, उसके बाद टेम्पररी ब्लॉक को जो है यहाँ से हटा देना होगा, उसके बाद सावधानी से इसके ऊपर चढ़ना होगा, और फिर इस ब्लॉक के साथ साथ हमें इस प्लेटफॉर्म का एक चक्कर काटना होगा भैया, तो चलो भैया चक्कर काट लेते हैं। हम्म,
ओके तो चलो भैया ये भी हो चुका है एंड नाउ हमें यहाँ पे रखना होगा 6 ब्लॉक्स 3, 4, 5, 6 और यही चीज भैया बाकी साइड में भी रखना होगा और फिर उसको जोड़ना होगा और फिर इसको भी एक प्लेटफॉर्म का आकार दे देना होगा। अबे यार ये सोचा तो भैया एक ट्रेंड मिल जाएगा पर ये लोग तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं भाई। ऊपर से रात हो चुकी है फ्रॉग्स भाई सच्ची में यार यहाँ पे फ्रॉग्स आ चुके क्या। अबे यार भाई साहब अबे यार मैंने लीड को क्यों नहीं लेके आया यार मेरे को पता नहीं था यार यहाँ पे फ्रॉग्स भी आ चुका है फ्रॉग्स को ऐड कर दिया भाई। ओह माय गॉड भाई साहब मैं अगर मेरे पास लीड्स होता ना तो भाई मैं इसको कसम से यार मैं इसको बांध के अपने घर लेके जाता जरूर जेल लेके जाता अपने बेस पे यार। पर ये लोग भाई रुको अभी तुमको बताते हम का चीज है। हाँ अब आ जा बेटा अब तुमको बताते हम का चीज है भाई आर्मर और टूल्स हाथ में नहीं है भाई ऊपर से ये लोग आ चुके हैं भाई इसलिए भागना पड़ा था। अब आ जाओ भाई सारे के सारे तुम लोग अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी तो आ जाओ हमारे सामने हमारे तलवार के सामने आ जाओ भैया या फिर हमारे तीर के सामने आ जाओ भैया ऐसे गुत्थी मारेगा जिंदगी में ना बोल पाओगे। अच्छा बट यार जो भी हो यार ज्यादा तो नहीं आई थिंक थोड़ा थोड़ा करके जो है 1.19 के जो चीजें है ना वो ऐड हो रहा है ठीक है। वैसे मैं एकदम लेटेस्ट वर्जन खेल रहा हूँ ठीक है मतलब 1.19.0.20 वर्जन जो है वो मैं खेल रहा हूँ और आप देख लो भैया वरना आप कमेंट पे बोलोगे भैया तू एक्सपेरिमेंटल ऑन करके खेल रहा है। तो ये देखो भाई सबूत आपके सामने है एक्सपेरिमेंटल ना कोई मैंने ऑन किया है और ना ही मैंने चीट्स को ऑन किया है ठीक है और आप देख सकते हो यहाँ पे सर्वाइवल का है तो कमेंट मत करना कि भाई आप क्रिएटिव यूज कर रहा है तू क्रिएटिव में खेल रहा है ऐसा नहीं है भाई क्योंकि भाई आपके सामने सबूत है भाई देख लो। तो खैर अभी धीरे धीरे जो है ये सारी के सारी चीजें आ जाएंगी टेंशन ना लो। वैसे अभी आई थिंक फ्रॉग्स ही ऐड किया है इन लोगों ने तो धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे वो लोग कोई दिक्कत नहीं है यार। तो भैया अभी हम लोग ध्यान देते अपने फॉर्म के ऊपर तो भैया अभी क्या करना होगा अभी हमें यहाँ पे ऐसे करके रखना होगा एक ब्लॉक और अभी इस पे ध्यान से चढ़ के इसके साथ अभी फिर से यार एक इस प्लेटफॉर्म का एक चक्कर काटना होगा भाई। 3 days later और अभी हम लोग इस गड्ढे को जो है ओपन कर सकते हैं ठीक है अभी कोई डरने वाली बात नहीं है इसलिए ओपन कर देते हैं। ओके तो खैर अभी जो है हर एक कॉर्नर पे हमें रखना होगा ऐसे करके 3 ब्लॉक्स को और यहाँ पे भी ऐसे करके 3 ब्लॉक्स को रख देना होगा और अभी हमें डालना होगा इसके ऊपर पानी। ओके तो अभी जो है बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण काम को करना होगा और वो है हमें मतलब कि भैया यहाँ पे जो ये ब्लॉक है ना इसके ऊपर मतलब इसके एक ब्लॉक यानी इस ब्लॉक को छोड़ के हमें यहाँ से जो है पानी को डालते हुए जाना होगा और इस साइड भी एक ब्लॉक को छोड़ देना हो। Many hours later. ओके तो गाइस पानी को मैंने पूरे प्लेटफॉर्म में जो है मैंने डाल दिया जैसे कि आप देख सकते हो और अभी इस इनफाइनाइट वाटर सोर्स को जो है अभी कोई जरूरत नहीं है वैसे भी इसने बहुत ही ज्यादा जरूरत के कामों के लिए भैया बहुत सारा पानी हमें दे दिया तो इसको अभी फिल करके हटा देते हैं भैया यहाँ से। खैर तो अभी जो है यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर लीव्स लगाना होगा ताकि इसके ऊपर कोई मॉब स्पॉन ना हो सके ठीक है। चलो भैया ये काम भी समाप्त हो चुका है भाई और भैया अभी ना बस एक और काम बचा हुआ है तो अभी हमें यहाँ से 15 ब्लॉक्स मतलब 15 ब्लॉक्स ऊपर की ओर जाना होगा। तो ये है 15 ब्लॉक और इसके ऊपर रखना होगा एक लीव एंड नाउ हमें नीचे के जो प्लेटफॉर्म का आकार है ना उसके जैसा इस मतलब यहाँ पे एक लीव्स का प्लेटफॉर्म बनाना होगा ठीक है मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा जो होगा लीव्स का और भैया इसको करने में भैया बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी मुझे पता है भैया बट क्या कर सकते है करना जरूरी है वरना ये जो है ना ये फार्म रात में काम करेगा दिन में काम नहीं करेगा। ये देखो भाई ड्राउंड स्पॉन होना भी स्टार्ट हो चुका है जैसे कि मैंने बोला ये प्लेटफॉर्म अगर आप देते हो तो भी अच्छा है अगर आप नहीं देते हो तो भैया एक प्रॉब्लम है एक मुनाफा भी एक प्रॉब्लम भी है कि भैया प्लेटफॉर्म देने से ये हर वक्त मतलब दिन के समय शाम के समय रात के समय हर वक्त ये काम करेगा अगर आप प्लेटफॉर्म को नहीं देते हो तो भैया ये सिर्फ और सिर्फ रात में ही काम करेगा नाइट के टाइम ही काम करेगा। ओके तो खैर भैया प्लेटफॉर्म तो बन चुका है ठीक नीचे के प्लेटफॉर्म के आकार जैसा है एंड नाउ हमें इस प्लेटफॉर्म के हर एक साइड पे 6 या 7 या 8 ब्लॉक्स ऐड करना होगा और ऐड करना होगा और फिर उसको आपस में जोड़ना होगा उसको फिर से फिल करना होगा और फिर उसको प्लेटफॉर्म का आकार देना होगा मतलब प्लेटफॉर्म का आकार देके उसको थोड़ा सा और चौड़ा करना होगा ताकि नीचे के प्लेटफॉर्म में पूरा अंधेरा छा जाए भाई समा जाए अंधेरा और ड्राउंड स्पॉन होना शुरू हो जाए।
ओके तो भैया बहुत देर पापड़ बेलने के बाद आखिरकार ये काम समाप्त हो ही गया भैया। और गाइस आपको ना एक चीज दिखानी है, ठीक है? चलो दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा तो भैया ये देखो भाई, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर दिया है, ठीक है, ताकि ये दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। और कुछ देर मैंने यहाँ पे रह के ड्राउन को मैंने मारा है, ठीक है, बहुत मारा है, ठीक है, और जिससे मेरे को जो है एक ट्राइडेंट मिल चुका है। आई नो ये डैमेज्ड है, पर इसको मैं ठीक भी कर दूंगा। रुको जरा, सबर करो भैया, इतनी जल्दी कहा है। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे कुछ चीजों को ठू देता हूँ, अगर बाद में कभी जरूरत होगी तो यहाँ से ले लेंगे। देखो रिपेयर करने का भाई आसान तरीका है, आप ऐसे करके कुछ भी चीजों को रिपेयर कर सकते हो। बस आपको चाहिए 2 स्टैक, मतलब 2 स्टैक कुछ अलग अलग चीजें, और एक चाहिए फर्नेस या स्मेल्ट करने की कोई भी आइटम, ठीक है, मतलब जैसे कि स्मोकर हो गया, ब्लास्ट फर्नेस हो गया, ऐसे, ठीक है। ओके तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जो है सबसे पहले मुझे जाके एक मेंडिंग का बुक लेके आना होगा, तो चलो उसको लेके आते, उसके बाद फटाफट जो है ट्राइडेंट को ठीक करते हैं। चलो एमरल्ड तो यहाँ से मिल जाएगा। ओ हाँ, मैंने आपको तो इनसे मिलवाया नहीं है भाई, भूल गया मैं। देखो भैया हमारे वार्ड में ना नए नए कुछ दोस्त आ चुके हैं, ठीक है, 2 का नाम मैंने ऑलरेडी सोच रखा है, जो आपको शायद पता होगा, बुजो एंड सुजी। बाकी दोनों का नाम मैंने तक जो है मतलब सोचा नहीं है, तो आप कमेंट पे सजेस्ट कर सकते हो, तो मैं उसको नेक्स्ट एपिसोड में जो है उनका नाम मैं रख दूंगा। तो सजेस्ट करो, ठीक है, मैं उनका नाम रख दूंगा। ओके तो ये बंदा जो है अनब्रेकिंग दे रहा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेंडिंग कहाँ से मिलेगा मेरे को पता है भाई। ओके तो मेंडिंग हमें वहां से मिलेगा। अलिया चाचा जी अभी मेंडिंग दे दीजिए, क्योंकि इस बार जो है मैं फुल पैचर लेके आया हूँ। और अभी चलो भैया चलते हैं भाई, चलो अभी फर्नेस को यहाँ पे रखते हैं। Nice. Okay, तो चलो सबसे पहले मुझे एक ग्राइंडस्टोन को बनाना होगा, अब लेना होगा ट्राइडेंट को, फिर लेना होगा एनविल, अभी इस पे लगाना होगा मेंडिंग, एंड नाउ लेना होगा कोई 2 स्टैक ऐसे आइटम्स को, उसके बाद आना होगा हमें फर्नेस में या फिर कोई भी स्मेल्टिंग के चीज हो जैसे कि आप यूज कर रहे हो। देन हमें उसको 3 नंबर वाले जो बार है ना उसको ऐसे रखना होगा, मतलब स्टैक को यहां से रखना होगा यहां पे, और ऐसे ऐसे करना होगा, तो ट्राइडेंट जो है इसकी वजह से ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा। ट्राइडेंट ही नहीं, जिस पे मेंडिंग लगा होगा ना, तो उस पे जो है मतलब ऑटोमेटिकली वो एक्सपी के दौरान जो है रिपेयर हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक ग्लिच है, बट पता नहीं ये कब तक रहेगा, क्योंकि 1.18.10 में ये ग्लिच आ गया था, उसके बाद थोड़ा सा एक बीच में हटा दिया गया था, उसके बाद फिर से लौटा दिया गया था, तो इसीलिए अभी तक इसको हटाया नहीं गया। तो जब तक ये हटता नहीं है तब तक आप इसका लुक उठा सकती हो। अभी यहाँ इसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो नीचे जो है ड्राउन ना आ सके, ठीक है। और अभी चलो भैया बनाते हैं फटाफट ट्राइडेंट किलर को, इसको बनाना बहुत ज्यादा सिंपल। ओके तो चलो भैया फाइनली जो है हमारा ट्राइडेंट फार्म बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ से जो है मेरे को ट्राइडेंट भी मिल जाएगा और कॉपर भी मिल जाएगा और कुछ रॉटन फ्लैश भी मिल जाएगा और बाकी के जो भी चीजें मिलता है ना तो वो भी मिल जाएगा। बस आपको इसके लिए ज्यादा लूट चाहिए ना और ट्राइडेंट जल्दी जल्दी चाहिए, तो आपको एक लूटिंग थ्री का शॉट चाहिए, बस और कुछ नहीं। ओके तो चलो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि अगर मैं मान लो कि एफ के एरिया पे रह के इसको इस्तेमाल करूँ, इस फार्म को इस्तेमाल करूँ, तो क्या ये जल्दी जल्दी काम करेगा, ये मेरे को दिखना है या नहीं, ठीक है? नहीं यार, सच में यार सेम तरीके से तो वर्क कर रहा है, मतलब इस फार्म के लिए एफ के स्पॉट की जरूरत नहीं है, मतलब आप नीचे भी खड़े रह के इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके तो चलो भैया हमारे पास ट्राइडेंट फार्म भी हो चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ से ट्राइडेंट को ले जा सकते हैं और उसको रिपेयर करके हम लोग ऑटोमेटिक फार्म्स को भी बना सकते हैं। तो वैसे गाइस आई नो आप लोग इस वर्ड का डाउनलोड लिंक चाहते हो, आप में से बहुत सारे लोग इस वर्ड का डाउनलोड लिंक चाहते हो, इसलिए मैंने फैसला किया एपिसोड 30 में जो है वर्ल्ड का एक टूर दूंगा और उसी में जो है वर्ल्ड का डाउनलोड लिंक दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, किस चीज की देरी है भाई, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो ताकि वीडियो आते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि भैया हाँ वीडियो आ चुका है। वैसे यार वीडियो कैसे लिए कमेंट करके जरूर बोलना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। तो चलो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।